हेलो, सब्सक्राइब हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको मिले टेक्स रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर एक एलईडी स्ट्रिप लाइट के बारे में, जो यहाँ पर एक आरजीबी लाइट है। और इस लाइट के यहाँ पर अब बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारे लाइट इफेक्ट आपको इस लाइट में देखने को मिल जाता है। तो आज करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, कैसे करने वाले हैं, इसका सेटअप सब देखने वाले हैं इस वीडियो में, और कितना कितना कस्टमाइजेशन, कितना कितना लाइट इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा पैकेट हमें यहाँ पर मिला है, तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर ऊपर से इसको हम खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है। तो यहाँ पर क्या क्या है आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एक रिमोट है जहाँ पर इसको आप कंट्रोल कर सकते हो इसके सहायता से। तो आप देख सकते हो बहुत सारा की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और RGB यहाँ पर एक की है। तो रेड ग्रीन ब्लू में ये लाइट है मेनली। और उसके बाद यहाँ पर एक एडाप्टर देखने को मिल जाएगा, जिसके यहाँ पर करंट के लिए यहाँ पर इस एडाप्टर की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा पोर्ट हमें इस एडाप्टर में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें एक IR सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और एक यहाँ पर LED को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये है IR सेंसर। तो उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर LED स्ट्रिप लाइट, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे इतना ही है बॉक्स पैकेजिंग। तो इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, कैसे करना है कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्लू भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एज आपकी वॉल में अच्छे से चिपक जाएगा इस ग्लू से। और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है कनेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐसा एक पिन है, और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ऐसा कुछ पिन है। और यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर एक एरो है छोटा सा, और इसमें भी एक एरो है। तो इस दोनों एरो को आपको करना है मैच, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देना है, तो कुछ ऐसे। उसके बाद आप देख सकते हो इस बॉक्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है, यहाँ पर हम इस एडाप्टर जो है इसको हम इस पोर्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये गया यहाँ पर। अब हम इसको कर लेते हैं टर्न ऑन। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टर्न ऑन। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए, और यहाँ पर ऑफ और ऑन की स्विच है यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है कुछ ऐसे, आप देख सकते हो यहाँ पर, देख लो कुछ इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, इसका जो स्पीड है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर स्पीड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इस वाले बटन से यहाँ पर स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है, और वहाँ पर उस वाले बटन से यहाँ पर स्पीड यहाँ पर डिक्रीज होता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो गया है, और यहाँ से आप स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस लाइट में। तो इस लाइट को मैं लगाने वाला हूँ मेरे वॉल में, और लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो बैटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये खुल जा, कैसे खुलता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा हम बैटरी है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इस जो रिमोट में। तो इसको ये अगर ख़त्म हो जाए तो आपको नया लगाना पड़ेगा यहाँ पर बैटरी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वॉल में लगाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं वॉल में लगा दिया हूँ, और यहाँ पर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे मैं यहाँ पर मेरी वॉल में सेट किया हूँ। यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पर मैं यहाँ पर जो डबल साइड टेप होता है उससे मैं सेट किया हूँ। और यहाँ पर अगर वाइट वाले बटन को हम प्रेस करें तो तीनों लाइट एक साथ जलते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर कुछ वाइट वाइट इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है।
और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर रेड बटन को क्लिक करें तो रेड हो जाता है, उसके बाद ग्रीन वाले को क्लिक करें तो ग्रीन हो जाता है, ब्लू वाले को क्लिक करें ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे काम करते हैं और यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। रेड ग्रीन ब्लू तो है, उसके अलावा भी बहुत सारा कलर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा कलर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर अपने घर को। अब अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो यह आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।